दोस्तों, एक सवाल आप सबके दिमाग में जरूर आता होगा कि क्या पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साध्वी भी होती है, जैसे कि क्या महिला नागा साध्वी भी बिना कपड़ों के रहती है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हर बार की तरह कुछ नया लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हिमालय की गोद में भस्म लपेट कर तपस्या करने वाले और मोह माया से कोसों दूर रहने वाले नागा साधुओं के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जब भी नागा साधु दिखाई देते हैं, एक सवाल मन में आ ही जाता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? क्या महिला नागा साध्वी नहीं बन सकती? तो चलिए, आज हम महिला नागा साध्वी की कुछ रहस्यमयी बातें आपको बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान रह जाएंगे, जैसे कि क्या महिला नागा साध्वी भी बिना कपड़ों के रहती है, और वह नागा साधु बनने के लिए अपने जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा त्याग करती है। महिला नागा साधु के बारे में जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नागा साधु होते कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं और अपने शरीर पर धुनि की राख लपेट कर रखते हैं, युद्ध कला में बहुत ही निपुण होते हैं, वो नागा साधु कहलाते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने वाला, और वह एक सैन्य रेजिमेंट की तरह ही बट कर रहते हैं। वैसे इनके बारे में खास बात यह है कि बस कुंभ के मेले में ही आपको दिखाई देंगे, बाकी इनका सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब सवाल आता है कि महिला साध्वी कौन होती है। असल में साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासी तीनों ही संप्रदायों के नागा अखाड़ों को बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर और निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि भक्ति और त्याग का प्रतीक यह महिला नागा साध्वी पूरा दिन साधना करती है। इन्हें सवेरे सवेरे उठना पड़ता है, इसके बाद यह नृत्य कर्मों के बाद शिव जी का गौर जाप करती है। दोपहर के भोजन करने के बाद ये नागा साध्वी फिर से शिव साधना में लग जाते हैं। आपको पता होगा कि नागाओं के इष्ट देवता भगवान शंकर होते हैं। इनका जीवन भी बिल्कुल भगवान शिव की तरह ही होता है। ये लोग हमेशा नशे में धुंध रहते हैं और यह चौतरफा अग्नि के सामने बैठकर साधना करती है। गर्मियों की दोपहर हो या कोहरे की रात, नागाओं का जीवन एक जैसा ही रहता है। आपने जब ये जान ही लिया है कि इनका जीवन कितना कठोर होता है, तो यह भी जान लीजिए कि नागा साधु बनने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में भी कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। पुरुष नागाओं की तरह ही इन्हें भी मुंडन करवाना पड़ता है। उसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से दूर हो चुकी है और अब किसी भी बात का मोह नहीं है। आपको बता दें कि नागाओं की दुनिया में किसी तरह के मोह माया की इजाजत नहीं होती। ये खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं। कई वर्षों की कठिन परीक्षा और त्याग के बाद भी सिर्फ कुछ महिलाएं ही नागा साधु बन पाती है। महिला साधु बनने के लिए ऐसे चरण से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन्हें सबसे पहले भौतिक सुविधाओं का त्याग करके खुद का जीते जी पिंड दान करना पड़ता है। इसके बाद यह साध्वी मुंडन करवाकर खुद का तर्पण करती है। एक आम महिला की तरह घर गृहस्थी के जीवन से निकलकर खुद का पिंड दान कर यह साध्वी खुद को इस संसार के लिए अमृत बना देती है। उसके बाद शुरू होता है उनका नया और कठिन जीवन, जहाँ एक और सभी सुख सुविधाओं से दूर हो जाती है, वहीं दूसरी ओर नए जीवन में इनका एकमात्र काम होता है भक्ति और साधना। जब ये नागा साध्वी 10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तब उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रखा जाता है। इससे इनमें समर्पण की भावना का विकास होता है, साथ ही इन्हें नागाओं के रहन सहन का भी पता चलता है। अगर कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में डटी रहती है, तो उसके बाद इस बात का निर्णय लिया जाता है कि किसी महिला को नागा साधु बनाया जा सकता है या नहीं। दरअसल महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं के जीवन से बहुत कठिन होता है। ऐसे में कई बार यह बीच से ही साधना को छोड़ देती है। आपको बता दे कि किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए अलग अलग साधना से गुजरना पड़ता है। इन्हें 10 साल तक लगातार पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इन सालों में साध्वियों को अपनी भक्ति और समर्पण के भाव को अपने गुरु के सामने साबित करना पड़ता है।
इस समर्पण के बाद इन्हें दीक्षा और परीक्षा के लिए भेजा जाता है। महिला नागा साध्वी की दीक्षा भी आसान नहीं होती है। इन्हें गौर, त्याग और बलिदान का साहस दिखाना पड़ता है। इसके बाद शुरू होता है इनकी कठिन परीक्षाओं का दौर, जिससे गुजरने के बाद इस बात का निर्णय उनकी गुरु करती है कि दीक्षा कब दी जाए। इसके बाद ही आगे के सारे काम किए जाते हैं। इसमें उन्हें महिला नागाओं के नियम और परंपराएं बताई जाती हैं। वह जानकारी के लिए बता दें कि किसी महिला को साध्वी बनने से पहले किसी अखाड़े की महिला साध्वी से दीक्षा लेनी पड़ती है। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा देते हैं। वहीं अगर बात करें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, महिला नागा साधु माथे पर तिलक और सिर्फ एक चोला धारण करती है। आमतौर पर यह चोला भगवा या सफेद रंग का होता है। यह रंग पहनकर ही उन्हें विचरण करना होता है। इनका रूप इस रंग में और भी भक्तिमय नजर आता है। कुंभ में पुरुष नागा साधुओं का महिला नागा साध्वियां भी स्याही स्नान करती है। इनके लिए कुंभ के मेले में स्याही स्नान के लिए अलग ही व्यवस्था होती है। ये महिला साधु कुंभ में आए हुए विदेशियों के लिए आस्था का एक अलग ही स्तंभ बनाती है। विदेशियों में तो उनके प्रति खास आकर्षण देखने को मिलता है। इनकी दिनचर्या और त्याग के ऊपर विदेशियों ने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। दरअसल नागा साधुओं के सुपर नेचुरल पावर। और -20 डिग्री के तापमान में हिमालय के पहाड़ों में बिना कपड़ों के रहने वाले साधुओं के बारे में जानकार लोग हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये था महिला नागा साध्वियों का कठिन भरा जीवन।